नमस्कार दोस्तों, मैं जुजार शिक्षा ओशन पे आपका स्वागत करता हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, उसको हम आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं नए टॉपिक को। अपना नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन, यानी कि विषमता है। इसमें अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, अपने पास चार ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से ढूंढना है अपने को कौन सी एक अंक या कौन सी एक संख्या या कौन सा एक शब्द विषम है, उन तीनों से भिन्नताएं रखता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में, आप कौन सी भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें करीबन एक या दो नंबर का पूछा ही जाता है। आप कौन सी भी एग्जाम ले लो, तो आप उसको अच्छे से करिए। आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका वो एक नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका वो एक अंक छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं क्लासिफिकेशन, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसमें है अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कि कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल। कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल। अब इसमें से देखना है अपने को कि कौन सा एक भिन्न है, इसमें से कौन सा एक भिन्न है, कौन सा एक अलग है। तीन इसमें सेम है और इसमें एक अलग है। अब ओ विषमता वाला कौन सा शब्द है, तो जैसे कि कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल, तो अपने को पता है कि कुरान जो है वो एक धर्म ग्रंथ है। इस्लाम का कुरान जो है एक धर्म ग्रंथ है। गीता भी भगवद गीता हिंदू धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। अब बाइबिल जो है वो भी एक धर्म ग्रंथ है। बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है, यानी कि ये जो तीनों हैं अपने पास धर्म ग्रंथ है। पंचशील इसमें अलग है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। इसमें अपनों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से किस प्रकार का शब्द भिन्न है या कौन सा शब्द भिन्नता रखता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। आप हमारे साथ वीडियो तक अंत तक बने रहिए ताकि अपना एक भी नंबर गलत नहीं हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि नौका, पनडुब्बी, नौका, पनडुब्बी, नाव। अब उसके बाद है पानी का जहाज, पानी का जहाज। अब इसमें से अपने को देखना है कि इसमें से कौन विषमता रखता है, कौन इन चारों में से अलग है। तो इसमें देखते हैं हम नौका जो है ये पानी के ऊपर चलती है। इसमें हम, जैसे कि आपने देखा होगी कहीं आप घूमने गए हो तो उसमें यात्री को बिठाते हैं और पानी के ऊपर चलती है नाव। उसमें नाविक होता है जो पानी को काटता है और नाव आगे बढ़ती है। तो जो होता है नाव जो होती है पानी के ऊपर चलती है। अब उसके बाद पानी का जहाज ये भी पानी के ऊपर, नौका पानी के ऊपर, पानी का जहाज पानी के ऊपर, नाव भी पानी के ऊपर। अब इसमें जो पनडुब्बी जो है वो अलग है और पानी के अंदर भी चलती है पनडुब्बी। तो ये अपना अलग होगा यहाँ पे पनडुब्बी, तो इसका अपना आंसर होगा बी वाला, इसमें क्या अलग है पनडुब्बी। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे अपने को एक नंबर मिलता है, एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है, जैसे संतरा,
संतरा, सेब, नींबू और अंगूर। अब इसमें संतरा, सेब, नींबू, अंगूर, इसमें अपने को देखना है कि कौन सा एक फल अलग है, कौन विषमता रखता है। तो अपने को सबका पता है, संतरा तो सभी ने खा रखा होगा, नींबू भी टेस्ट कर रखा होगा किस प्रकार का लगता है, और अंगूर भी खा रखा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को वो नहीं कर सकते जिसने कभी संतरा नहीं देखा हो, या फिर नहीं खाया हो, अंगूर नहीं खाए हो, नींबू भी नहीं खाया हो और सेब भी नहीं खाया हो, वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकता। अब अपने को पता है कि नींबू जो होता है, सभी को पता है नींबू खट्टा होता है, नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, और संतरा भी होता है वो भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, और कुछ अंगूर भी खट्टे होते हैं। हम जाते हैं बाजार से लेने और वहाँ से अंगूर वाला अपने को खट्टे अंगूर दे देता है, और हम घर पे आके चखते हैं तो बोलते हैं कि अंगूर तो खट्टे हैं, तो अंगूर भी खट्टे होते हैं। अब सेब खट्टा नहीं होता है, तो इसमें अपना आंसर होगा सेब, इसमें अपना आंसर होगा सेब, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा बी वाला अपना आंसर होगा कि सेब इसमें अलग विषमता रखता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि इसी टाइप में अगला क्वेश्चन है कि जुलाई, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, अपने पास चार ऑप्शन। अब इसमें से एक अलग कौन सा है, कौन विषमता रखता है, तो इसमें अपने को पता होना चाहिए कि ये जो महीने हैं इसमें कौन सा महीना और इसमें कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे जुलाई का अपने को पता है इसमें 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं, लेकिन नवंबर में 30 दिन होते हैं, लेकिन जो नवंबर है उसमें 30 दिन होते हैं, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, इसमें एक विषम है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए अपने को सामान्य बेसिक जानकारी भी होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम सारे टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में अपने को पूरा नंबर चाहिए। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है कि तैरना, जल यात्रा करना, बिना वस्त्र तैरना और अगला है वाहन चलाना। तो इसमें से देखना है अपने को कौन सा विषम है। तो इसमें अपने को सामने से देख के ही पता चल जाए कि तैरना ये पानी के अंदर होता है, पानी पर हम तैरते हैं। उसके बाद जल यात्रा यानी कि जल यात्रा करते हैं अपन, तो इसमें भी जल है। तैरना पानी से संबंधित है, तैरते पानी के ऊपर। उसके बाद जल यात्रा यानी कि ये भी जल से संबंधित है, और बिना वस्त्र तैरना यानी कि इसमें कहीं ना कहीं तैरना है, तो ये दोनों सेम है। अब वाहन चलाना बिल्कुल ही एक अलग विषम हो गया, ये सबसे अलग हो गया कि वाहन चलाना।
इसमें 3 सेम है, उसके बाद वाहन चलाना अलग है, तो इसमें अपना आंसर होगा डी वाला। दोस्तों इसमें कुछ टाइप जो ऐसा बनता है अपने को इमेजिन करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें कुछ अपने को मौखिक जानकारी, सामान्य ज्ञान भी होना बहुत जरूरी, बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने को। तो अपना जो आंसर होता है कभी भी गलत नहीं होता, और आप कौन सी भी एग्जाम लेके देख लो उसमें करीबन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जिसने एग्जाम दे रखी होगी उसको भली भांति पता होगा कि क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है। अब जिसने नहीं दे रखी होगी वो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको पढ़िए। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि बात करना टहलना सोना उसके बाद दौड़ना। तो इसमें हम देखेंगे कि टहलना यानी घूमना, इधर उधर घूमना, तो इसका मतलब होता है घूमना, टहलना यानी घूमना। अब दौड़ना इसमें भी हम दौड़ रहे हैं, पैरों से दौड़ रहे हैं, इसमें हम घूम रहे हैं, घूमना दौड़ना ये सेम हो गया। अब उसके बाद बात करना, हम बात चलते चलते भी कर सकते हैं, हम बात चलते चलते भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी बात कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब सोना एक अलग ही बात हो गई कि हम जाके बिस्तर में जाके सो गए, तो सोना बात अलग ही हो गई। उसके बाद टहलना दौड़ना और बातें करना, हम चलते हुए भी बातें करते हैं, खड़े खड़े भी बातें कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये तीनों अपने पास सेम। उसके बाद सोना यानी कि उसमें सारी क्रियाएं बंद होती है, एकदम रिलैक्स होके आप सोते हो, तो ये सोना बिल्कुल ही अलग है, यानी कि इसका जो आंसर होगा सी वाला, सी अपना इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप में कि और क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, लोहा एल्यूमिनियम तांबा और लकड़ी। तो इसमें अपने को देखना है कि कौन सा शब्द विषम है। तो लोहा सभी को पता है, सभी जानते हैं लोहा क्या होता है। अगर जिसको ये भी पता नहीं कि लोहा क्या होता है, उसको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लोहा क्या होता है, उसके बाद वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो लोहा एल्यूमिनियम और तांबा, दोस्तों लोहा एल्यूमिनियम तांबा ये तीनों धातुएं होती है, ये तीनों धातुएं होती है, और उसके बाद जो लकड़ी है ये अलग है, धातु से अलग है। ये जो तीनों है, इन तीनों में धातुओं के गुण है, लकड़ी एक इसमें कुछ अलग गुण है, ये अलग है, यानी कि इसमें जो विषम होगा वो होगा लकड़ी। इसका आंसर होगा अपना सी वाला, सी इसका आंसर होगा, यानी कि ये तीनों सेम है और इसमें ये अपना सी वाला अलग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है अपने पास के पानी तालाब झील और पोखरा। तो इन चारों में से देखना है कि एक भिन्न कौन सा है। तो इसमें से सबसे पहले अपने को यह पता नहीं है कि पोखरा किसको कहते हैं। सर्वप्रथम अपने को इसकी जानकारी होना अनिवार्य।
दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को तभी कर सकते हैं जब अपने पास जो दे रखे हो क्वेश्चन में उनकी जानकारी हो। पानी, पानी की जानकारी हमें अच्छे से है। तालाब, तालाब भी देखा है, इसकी जानकारी भी है। अब झील, झील की जानकारी भी अच्छे से है कि पानी भरा होता है, तालाब में भी पानी भरा होता है और ये खुद पानी है। यानी कि इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये तीनों सेम है, कहीं ना कहीं ये तीनों सेम है। अब पोखरा, ये अलग है तो ये अपना आंसर होगा कि पोखरा। ये अपना बी वाला जो ऑप्शन है ये अपना सी होगा। पोखरा यानी पोखरा का मतलब होता है पुल, पुल तो ये अलग है। पोखरा यानी पुल, ये इन तीनों से भिन्नता रखता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कि मुंबई, चेन्नई, मुंबई चेन्नई कलकत्ता और बेंगलोर, अब इन चारों में से कौन सी एक भिन्नता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर इनको देखा जाए तो मुंबई जो है, मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बेंगलोर ये कर्नाटक की राजधानी। यानी अपने को पता चल रहा है कि ये चारों किसी न किसी की राजधानी, यानी कि इससे अपने को पता नहीं चलता कि ये भिन्न है। अब अपने पास हम देखते हैं कि मुंबई एक बंदरगाह है, मुंबई एक बंदरगाह है, उसके बाद चेन्नई भी एक बंदरगाह है, चेन्नई भी एक बंदरगाह और कलकत्ता भी अपना एक बंदरगाह है, यानी कि बेंगलोर बंदरगाह नहीं है। यानी कि इसका जो आंसर होगा अपना बेंगलोर। बेंगलोर इन तीनों से विषमता रखता है, यह एक भिन्न है। तो अपना आंसर होगा डी वाला, डी बेंगलोर इन तीनों से भिन्नता रखता है। इस प्रकार हमें सामान्य ज्ञान की भी जानकारी होना चाहिए तभी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान अंग्रेजी और उसके बाद वनस्पति विज्ञान भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और अंग्रेजी। तो इसमें से देखना है कि कौन सा एक विषम है। तो इसमें अपने को सामने दिख रहा है कि विज्ञान 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 यानी कि अंग्रेजी एक अलग है, यानी कि अंग्रेजी एक अलग भाषा है। तो इसमें अपना आंसर होगा अंग्रेजी, यानी कि बी वाला अपना आंसर होगा। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि अपने को सामने देख के अपने को आंसर पता चल जाता है कि इसमें अंग्रेजी जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। वनस्पति विज्ञान रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये तीनों सेम है, उसके बाद अंग्रेजी अलग है। अब इसी टाइप में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैसे कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल। अब इसमें से देखना अपने को कि इन चारों में से
कौन सा एक भिन्न है? दोस्तों अपने को पता है कि तमिलनाडु एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है, आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है, लेकिन जो लक्षद्वीप है वह एक यूटी है, वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि इसमें लक्षद्वीप भिन्नता रखता है। ये तीनों एक राज्य है और यह लक्षद्वीप एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें अपना आंसर होगा ए वाला अपना आंसर होगा। अब दोस्तों इन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन बनते वो अपने कुछ मैथ्स के टाइप, जो मैथ्स से भी क्वेश्चन बनते अपने, यानी कि नंबरों की जोड़ घटाओ गुणा भाग से भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते। तो उन क्वेश्चनों को भी हम देखते हैं कि वह क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जैसे 729, 343, 144 और 512। अब देखना है कि इन चारों में से कौन सा एक भिन्न है, कौन सा एक अलग है। अब इसमें अपने को इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करना हो तो इसमें अपने को स्क्वायर को क्यूब सम संख्या अभाज्य संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या इन सभी नंबरों को या इन सभी नंबरों की जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते। जैसे कि अपने को यहाँ पे पता है कि 729 जो है वह 9 का क्यूब है, 243 7 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, यानी कि ये तीनों किसी ना किसी संख्या का क्यूब है, और जो 144 है वो किसी संख्या का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। तो इसलिए अपना ये गलत होगा कि 144 जो संख्या है वो भिन्न है, यानी कि इसका आंसर होगा बी वाला, अपना जो आंसर होगा वो होगा बी वाला। अब देखते हैं इसी टाइप में अगला वाला क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा दोस्तों। अब इसमें अपना अगला क्वेश्चन है 60, 343, 37 और 51। अब इसमें से देखना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो इसमें अपने को सामने पता चल रहा है कि यह एक सम संख्या है, बाकी सारी संख्या विषम संख्या है, यानी कि इसका आंसर होगा ए वाला, ए एक 60 जो है एक विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, बाकी ये सारी विषम संख्याएं हैं। तो अपना आंसर होगा ए वाला। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, 25, 19 और 17। तो इसमें से ढूंढना है अपने को भिन्न है। तो इसमें से देखेंगे हम कि जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 × 5 25 का स्क्वायर, और 23, 19, 17 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं, यह एक अभाज्य संख्या है। तो इसका इसमें जो अपना अलग होगा विषम वो होगा 25, 25। ये तीनों सेम है, तीनों एक अभाज्य नंबर है और यह एक वर्ग संख्या, तो इसमें अलग होगा बी वाला, इसका आंसर होगा बी वाला। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो हमारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यह अपना टॉपिक था क्लासिफिकेशन, ये समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।